हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से बैठक का आयोजन युवा विंग के विक्की ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट कांड की निंदा की और सरकार को इस विषय में सख्ती दिखाने की गुजारिश की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़ी है विक्की ठाकुर जो कि हिंदू सुरक्षा समिति यूथ के चेयरमैन है पंजाब के, उन्होंने आचार्य मुनीश जी प्रचारक हिंदू तख्त, उन्होंने पुनीत सिंह प्रचारक हिंदू तख्त पंजाब, और सुधा शर्मा जी जिला अध्यक्ष, अंजलि जी उन्होंने, सोनिया जी, सीमा राजपूत, ईशान जी, दिनेश जी, यश जी, मोनी जी, जिन्नी भी हिंदू सुरक्षा समिति की टीम है पूरी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोड़ा एक आयोजित किया। पंजाब दे विच आए दिन जोड़े खालिस्तान की मूवमेंट लैके अलग अलग प्रचार और प्रसार की जी समगरी और जोड़े लगातार टिफिन बंब जोड़े मिल रहे हैं, और जोड़ा पिछले दिन बड़ी ही बेरहमी गुरद्वरे के एक निर्दोष जोड़ा मार दिता गया, जोड़ा कि अज सरकार वालों भी पुष्टि उदी करती गई है। लुधियाने के कोर्ट के टिफिन बंब फटना एक कितने ना कि दर्शा रहा है भी जी खालिस्तान की मूवमेंट है जी फिर तो शुरू और पुनर्जीवित करने बाहर एजेंसियां है उन्होंने फंडिंग कर रही हैं। यही गल सरकार पिछले 5 साल तो अही कह की कोशिश कर रहे हैं भी खालिस्तानी मूवमेंट जी है दोबारा जी पुनर्जीवित की जा रही है, क्योंकि हिंदू लीडर लगातार खालिस्तान मूवमेंट वालों धमकियां जड़िया फोन पर दिखाई जा रही हैं। सरकार का पहले कहना सगा भी कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं हैगी, अज सरकार का जोड़ा अपना ही बयान आ गया कि पंजाब के जोड़े हालात खराब हो रहे हैं वो कितने ना कि खालिस्तान और बब्बर खालसा जोड़े वे तार जुड़े हुए हैं। मैं सरकार अगे और पुलिस प्रशासन अगे यही मंग करना कि पंजाब नू फिर उस बरूद के ढेर से ना जानता जाए। कई लोगों ने यह संताप जोड़ा पहले झेलिया, कई परिवार उजड़ गया, कई जड़िया भैन विधवा हो गई, कई बच्चों के जोड़े कतल हो गए। इस चीज़ नू सरकार जी तुरंत जी लगाम लगाए और खालिस्तानियों से सख्त तो सख्त कार्रवाई करे। अज अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति की एक हंगामी मीटिंग पठानकोट दफ्तर में की गई है, जिस साढ़े पंजाब चेयरमैन श्री सुरेंद्र मनास जी, जिला प्रधान श्री सुधा शर्मा जी, मुनीश जी, पुनीत जी और सारे जो मेन मोलद्वार लीडर सारे इकट्ठे हुए ने। मेन हालात के इसे तो विचार किया गया कि पंजाब किस तरफ जा रहा है, ये उही 84 वाला टाइम दोबारा लौट लौट के आ रहा है। लुधियाने जिहड़ा कांड होया वो कितना कितने एजेंसियों का फेलर है, क्योंकि कोर्ट कंपलैक्स है जिथे हज़ारा लोग रोज़ आते हैं, और बाकी कोर्टा की भी बल्कि सुरक्षा करनी चाहिए जिस चाहे पठानकोट कोर्ट ही क्यों ना होए। ये टिफिन बंबा का मिलना, ड्रोना का आना, जब सरकार सब कुछ जानती है कि ड्रोन आ रही है, अज की अखबार च है कि 42 ड्रोन इस महीने आए हैं, तो कितने ने फिर केंद्र का और पंजाब सरकार का कितने कितने तालमेल की कमी दिख रही है। हिंदू सुरक्षा समिति मांग करती है कि जड़े चुनाव आ रहे हैं अब बड़े सुहादरपूर्ण तरीके और शांति मुकम्मल हो जाए। क्लीयर नज़र आ रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट करने वाले बाहरों विदेशों तो जा इतों की सक्रिय हो चुकी है और कोई ना कोई ये नुकसान करने की फिराक च है। वो तो चलो पंजाब पुलिस की ये बड़ा दलेरी है कि वह हाले तक कोई एड्डा वड्डा कांड नहीं हो सकिया, अदरवाइज इस बंब ना कई 100 लोग मारे जाने हैं और चुनाव की प्रक्रिया ने भी प्रभावित कर लिया, सब कुछ हो रहा है। एक सुचारू और अच्छी सरकार सानू मिले पंजाब नू, इसे कामना नाल मैं कहना धन्यवाद। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।